हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 18 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी, न्यूज़ोन, एआर, इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर हैं उनकी न्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है पीआईबी में वो आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। इसके साथ ही आई है आईएमएफ की जो भी रिपोर्ट आई है उसको लेके। आईएमएफ ने क्या कहा है इंडिया को लेके वो देखते हैं। आईएमएफ ने ये कहा है इंडिया को लेके कि भाई इंडिया की इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट है वो इस बार रहेगी 7.3%, उसको लेके यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आईएमएफ ने पहले क्या क्या आंकड़े वगैरह प्रस्तुत है वो किए थे। बस हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री की क्या हालत वगैरह चल रही है। एक चीज़ जैसे आप जानते हो सब लोग कि इंडिया है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है, मतलब इंडिया की ग्रोथ रेट है वो वर्ल्ड की अदर कंट्री से ऑब्वियसली ज़्यादा है। ये चीज़ तो कन्फर्म यहाँ पे हो गई है। और देखा जाए तो बात की जाए इंडिया की जो इकोनॉमी है, या आप बोल सकते हो कि ऑल ओवर इकोनॉमी की बात करें हम इंडिया की, तो वो आती है अब 6th नंबर पे। अभी इंडिया ने फ्रांस को बीट किया है और उसके बाद इंडिया 6th नंबर पे आ गया है। और अभी 5th नंबर पे बात की जाए तो वो है यूके। तो उम्मीद की दारी है कि जल्दी ही यूके को भी बीट है वो कर दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमी है उनकी हालत क्या है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है बेसिकली, उसके द्वारा रिपोर्ट है या उसके द्वारा ये आंकड़े पेश है वो किए गए हैं। तो एक्चुअल डाटा भी हम यहाँ पे देखेंगे और रियल भी। देखो मैं वैसे सारा डाटा याद तो नहीं रखना है, बट थोड़ा एक बार ओवरव्यू अगर हमारे पास होता है एग्जाम में तो हम आंसर राइटिंग में भी कई बार इस चीज़ की हेल्प है वो मिलती है, या फिर हमें नॉलेज के लिए भी काफ़ी हद तक बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बात करें अभी रिसेंटली इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो तो है अभी 6.7% की ग्रोथ रेट से भी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। और बात करें उम्मीद की कि कितनी उम्मीद की जा रही थी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि जितनी उम्मीद की जा रही थी उसके मुताबिक खैर अभी बढ़ नहीं रही है। तो उम्मीद की जा रही थी 7.4 की और अभी उम्मीद की जा रही है कि भाई 7.3 से, मतलब 2018 का जो साल स्टार्ट होता उस टाइम पे ये उम्मीद की जा रही थी, बजट वजट आया था नया सामान उस टाइम पे, कि 7.4 की ग्रोथ रेट से इंडिया की इकोनॉमी वो बढ़ने वाली है। बट फिर धीरे धीरे कम हो गई तो अभी आ गई है 7.3 पे, कि 7.3% की रेट से ही इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। बट रिसेंट जो ग्रोथ रेट है इस बार की वो अभी चल रही है 6.7। तो ये इसको लेकर कंटेक्स्ट वगैरह यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ ही 2019 की इकोनॉमी ग्रोथ रेट की जो उम्मीद है वो की गई है अगले साल के लिए, वो की गई है आईएमएफ के द्वारा कि इंडिया की इकोनॉमी और 7.8% से बढ़ने वाली है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो वगैरह फिक्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो वर्ल्ड की बाकी अदर कंट्री की बात करें, हमारे पड़ोसी देश चाइना की, तो चाइना की ग्रोथ रेट अभी रिसेंटली तो हमसे ज्यादा है। अभी रिसेंटली चाइना की ग्रोथ रेट हुआ है 6.9%। बाकी जो ग्रोथ रेट है इस बार की वो उसमें कोई इतना खास चेंजेस वहाँ पे नहीं है। बात करें यूएस की तो यूएस की इकोनॉमी भी कुछ ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रही है। यूएस की ग्रोथ रेट भी 2.3 से आसपास ही अभी यहाँ पे अटकी हुई है। तो ये कुछ बेसिक डाटा था यहाँ पे जिसको लेके हमने ये चीज समझ में हमने ये चीज समझी है यहाँ पे कि भाई किस तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो काम कर रही है और कैसे अभी आगे अच्छे से परफॉर्म करने वाली है। आईएमएफ के क्या क्या आंकड़े यहाँ पे पेश है वो किया गया, तो वो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है कारा के बारे में। कारा क्या है? कारा है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो देखो कंटेक्स्ट क्या है पहले तो हम वो देखते हैं, फिर हम सारी चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट ये है कि देखो आज के टाइम पे आपको पता है कि इलीगल तरीके से बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है, उसका काफ़ी बड़ा इश्यू भी सामने आया था, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो उस इश्यू को संज्ञान में लेते हुए अभी कारा ने नोटिस जारी किया है कि भाई जो जो बॉडी है, वैसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि देखो भाई ऐसे जो इलीगल बच्चों को अडॉप्ट वगैरह किया जा रहा है, गोद लिया जा रहा है, इसके प्रति एक रोक वगैरह लगनी चाहिए और प्रॉपर वे में ही अडॉप्ट वो करना है। देखो हमारे देश में प्रावधान क्या है, अगर किसी को भी कोई बच्चा अडॉप्ट करना है, कोई भी ऐसा दंपति हो जिसके बच्चा नहीं हो या फिर किसी को भी बेबी अडॉप्ट करना हो, तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही बच्चे को अडॉप्ट हो करना होता है। ऐसा नहीं है कहीं से गए बच्चे के लिए पैसे दिए खरीद लेके उसको आ गए, ये कोई प्रोसीजर नहीं है। और काफ़ी जगह ऐसा देखा गया कि ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उसमें संलिप्त हो पाए गए, तो इससे क्या होता है, तो वुमेन जो चाइल्ड ट्रैकिंग है वो बढ़ जाती है, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर बेचा जाता है, उनके ऑर्गन है उनका भी बिजनेस वगैरह किया जाता है। तो ऐसे ही क्या है ह्यूमन इश्यूज, आप बोल सकते हो कि ह्यूमन के इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट वो आ जाते हैं सामने। उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही अभी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है उसने भाई ये कहा है कि चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूट है ना उनको अभी जल्द ही कारा से लिंक करना होगा। मतलब एक तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहले गाइडलाइन जारी की कि जो भी इंडिया में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, मतलब बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, अनाथ बच्चों वगैरह के एनजीओ वगैरह ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, वो एक्चुअली कारा से लिंक होंगे। मतलब कारा मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मतलब कारा से अपना सारा डाटा शेयर करेंगे और कारा की अनुमति के बाद ही वो बच्चों को एक तरीके से किसी को अडॉप्ट वगैरह करने का काम है वो प्रॉपर फॉलो करेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि कारा है वो सभी जो भी बच्चे अनाथ बच्चे हैं या कोई भी और भी तरह के बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान रखेगी और उसकी बिना अनुमति के कहीं भी बच्चे को अडॉप्ट वगैरह नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है
तो वो हमने सारा कंटेक्स्ट देख लिया। अब बात करते हैं हम आगे कारा के बारे में। देखो कारा है वो अब तक एक स्टेचुरी बॉडी है, सबसे पहले तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जो आती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। ये चीज एक पॉइंट कंफर्म हो जाता है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में कारा एक बॉडी आती है जो कि स्टेचुरी है। काम क्या है? काम इसका बेसिकली ये है कि इंडिया के अंदर जो भी बच्चे अडोप्ट किए जाते हैं ना, उनके लिए नोडल एजेंसी है। मतलब अगर इंडिया में किसी को भी बच्चा या बेबी अडोप्ट करना हो तो उसके लिए कारा की अनुमति लेनी जरूरती है। कारा की जो प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करते हुए बच्चा अडोप्ट है वो किया जाता है। इसके साथ ही अहम बात और यहाँ पे है, ये क्या करती है, मॉनिटर भी करती है किन किन चीजों को। ये करती है इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन, मतलब इंडिया के अंदर कहीं बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसको रेगुलेट करती है। इसके साथ इंटर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर बच्चे को अडॉप्ट वगैरह किया जा रहा है उस कंट्री से में भी ये हेल्प है वो करती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। इसी के साथ ही बात यह की जा रही है कि हेग कन्वेंशन की जो गाइडलाइंस है उनको भी ये फुलफिल है वो करती है। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि हेग कन्वेंशन है जो कि इंटर कंट्री अडॉप्शन को फुलफिल है, इंटर कंट्री अडॉप्शन को प्रमोट करती है। 1993 में इंडिया ने उसको एक्चुअली रेक्टिफाई करने की बात की थी, पर फिर रियल में रेक्टिफाई है वो किया गया था 2003 में, क्योंकि स्टार्टिंग में आया था ये एक्ट 1993 में। और इंडिया ने, आपको ये ध्यान रखना है कि हेग जो कन्वेंशन है उसको इंडिया ने 2003 में अडॉप्ट है वो किया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो उसके लिए बेसिकली इसके द्वारा काम किए जाते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। अब बात करते हैं हम आगे, आगे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आती है हमारे लिए वो आती है, तो सबसे पहले कि हेग कन्वेंशन है क्या। तो हेग कन्वेंशन है, देखो इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन तैयार की गई थी, आप बोल सकते हो कि एक लॉ वगैरह तैयार किया गया था इस चीज को लेके कि भाई अगर कहीं भी एक कंट्री में अगर बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है या फिर एक कंट्री से बच्चे को दूसरे कंट्री में ट्रांसशिफ्ट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में बच्चे का शोषण नहीं हो, बच्चे को हरासमेंट नहीं हो, बच्चा को मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, कि ऐसा तो नहीं हो कि उसकी जबरदस्ती लेके जाया जा रहा हो, ऐसा कुछ इश्यू हो, माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा हो, उस कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट है वो करती है। जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हेग कन्वेंशन न्यूज में भी थी कि हेग कन्वेंशन के दौरान क्या था, आपको इश्यू बता देता हूं तब आपको सारा केस है उससे समझ में आ जाएगा। बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके वो इश्यू था। इश्यू ये था कि भाई अगर जैसे कि ये मान लो एक अगर किसी ने भी इंटर कंट्री में बच्चों ने शादी किया है, हस्बैंड और वाइफ ने, ये मान लो कि हस्बैंड है वो ए कंट्री से, वाइफ है वो बी कंट्री से, शादी के बाद ये मान लो कि दोनों ए कंट्री में रह रहे हैं, बट को इंसिडेंस अगर दोनों में तलाक हो गया, उस कंडीशन में बच्चा है वो ए के पास रहेगा या मतलब ए कंट्री में रहेगा या बी कंट्री में जाएगा, तो इसके लिए बच्चे की अनुमति बहुत जरूरी है। बच्चा अगर जैसा जहाँ भी रहना चाहिए, जैसे हो सकता है कि बच्चा रहना ए में ही चाह रहे हो बट बी उसको जबरदस्ती कंट्री में लेके आ गई हो, तो उस कंडीशन में हेग कन्वेंशन बच्चे को सपोर्ट करती है और उसको वापस वहाँ पे रिहेबिलिटेट करने में सब हेल्प है, सपोर्ट है वो करती है। तो ये है एक्चुअली हेग कन्वेंशन, ऐसा ही कुछ इश्यू था उस टाइम पे तो उसको लेके हमने इसको डिस्कस है वो क्या था। ये चीज ध्यान रखनी है कि इंडिया ने हेग कन्वेंशन को साइन है वो किया हुआ है, 2003 में इसको साइन है वो किया था। इसके साथ बात करें कारा की, तो हमने देख लिया कि इंडिया में बेसिकली प्राइमरी डील करती है जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, बेसिकली इसके द्वारा काम है वो किया जाता है। इसके साथ ही और भी जो इंडिया में रिकॉग्नाइज अडॉप्शन एजेंसीज हैं उन सो सब इसके साथ मिलकर काम है वो करती है, मतलब मेन हेड नोडल एजेंसी कारा ही यहाँ पे हो जाती है। तो ये थी कारा के बारे में जो कंप्लीट न्यूज थी वो हमने देख ली। अब बात करें हम हेग कन्वेंशन, तो हेग है वो नीदरलैंड में, ये चीज हमें पता होना चाहिए, और चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके बेसिकली ये चीजें हैं। तो इसके बारे में हमने हेग कन्वेंशन है इसको भी हमने यहाँ पे काफी अच्छे से डिस्कस है वो किया है। अगर देखो आपको फिर भी कोई ऐसे डाउट रहते हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में नीचे आपने क्वेश्चन है वो टाइप कर देना, आपको आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले जिस भी वीडियो में आपको आंसर है उसका प्रोवाइड है वो करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी इश्यूज वगैरह होते हैं फिर आप कमेंट बॉक्स में ना, तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है यूपीएससी रिगार्डिंग या फिर वो एग्जाम रिगार्डिंग तो आप वहां पे बेसिक पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है हेरियर बर्ड को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि देखो हेरियर बर्ड इनकी संख्या इंडिया में लगातार कम होती जा रही है। अब पहली बात तो यहाँ पे यही आती है कि भी हेरियर बर्ड्स हैं होते कौन से हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात उठ जाती है तो इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो हेरियर बर्ड वो होते हैं जो कि माइग्रेटरी रेप्टर स्पीसीज होती हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये वर्ड है रेप्टर। अब रेप्टर का मतलब क्या हुआ, देखो रेप्टर का आपको बता दूं कि रेप्टाइल स्पीसीज वो होती हैं जो कि रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे सांप हुआ, जैसे ऐसी चीजें हैं ना वो रेप्टाइल में बेसिकली आती हैं। तो रेप्टर स्पीसीज मतलब इनका शिकार करने वाली, मतलब जो रेप्टाइल जो स्पीसीज है इनको खाने वाली या इनका शिकार करने वाली जो स्पीसीज होती है वो आती है यहाँ पे हेरियर बर्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी है। देखो इसमें बेसिक दो तीन चीजें और भी हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताऊं कि कौन कौन सी, एग्जांपल बता देता हूँ तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि वल्चर हुआ, गिद्ध हुआ, ये क्या होते हैं रेप्टर स्पीसीज में आते हैं, मतलब भी क्या कहते हैं सांप वगैरह हुआ, छोटे चूहे केंचुए वगैरह, इन चीजों का क्या है शिकार करके उनको खाते हैं।
तो इसलिए इनको माइग्रेटरी स्पीसीज कहा जाता है। माइग्रेटरी का मतलब यहाँ पे है कि दूसरी कंट्री से ऑब्वियसली ये इंडिया में आते हैं, इसलिए माइग्रेटरी वर्ड यहाँ पे यूज है, वो किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया है। तो देखो बात क्या है, अभी कंटेक्स्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट बायोडायवर्सिटी को लेके है और कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि भाई इंडिया में जो ग्रासलैंड है ना वो लगातार कम हो रहे हैं, ये एक इंडिकेटर हमें मिला है क्योंकि जो हैरियर ब्रेड स्पीसीज हैं वो इंडिया में कम आ रही हैं। देखो पहले तो क्या था कि वल्चर वगैरह गिद्ध वगैरह थे ये इंडिया में काफी ज्यादा थे, बाहर की कंट्री से भी इंडिया में बहुत ज्यादा आते थे, बट आज के टाइम पे क्या हो रखा है कि जो ग्रासलैंड है वो खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए ये कम आने शुरू हो गए हैं। अब हमें एक तरीके से इंडिकेटर के तौर पे यहाँ पे यूज है वो हो रहे हैं, जैसे कि अगर साफ पानी होता है तो वहाँ पे आपको पता है कि लाइकेन वगैरह पाया जाता है, तो वो एक इंडिकेटर होता है ना कि यहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन है। इसका इंडिकेटर जैसे कि लाइकेन किसी जगह पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वाला एरिया में पॉल्यूशन नहीं है इसलिए वहाँ पे लाइकेन है। तो वही बात यहाँ पे है कि ग्रासलैंड अब खत्म हो रहे हैं तो ये कम आ रहे हैं, तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि भाई ये कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ग्रासलैंड नहीं है। ग्रासलैंड इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि देखो आज के टाइम पे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इसके साथ ही आप बात करो अर्बनाइजेशन है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, इसके साथ ही जो कीटनाशक वगैरह है एग्रीकल्चर वगैरह में उनका यूज किया जा रहा है, जिससे जो भी ग्रासलैंड में छोटे मोटे जीव जंतु रहते हैं जैसे कि सांप वगैरह या फिर चूहा वगैरह ऐसी चीजें वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो भाई वो ही नहीं रहेंगे ग्रासलैंड में तो ये खाने किसको आएंगे, अकेले भूखे थोड़ी मरेंगे आके, इसीलिए इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो एक तरीके से इन्होंने इंडिकेटर वो किया है, तो उसको लेके भी ये न्यूज है वो आई है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या न्यूज थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का फिर से परीक्षण है वो की है। अब देखो पहले तो इसमें थी कि इसकी जो एक लाइफ टाइम थी, जो इसकी वैलिडिटी थी ब्रह्मोस मिसाइल की वो थी 10 साल, और अभी इसमें एडवांस फॉर्म लेके आ गया है उसकी लाइफ है 15 साल। तो ये तो बेसिकली ऐसी चीज तो यूपीएससी नहीं पूछने वाली है हमें, बट फिर भी हमें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। तो ब्रह्मोस है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल और देखो बैलिस्टिक मिसाइल दो तरह की मिसाइलें होती हैं, जैसे आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये यहाँ से कोई मिसाइल छोड़ेगी, अगर ये मिसाइल यहाँ से जाए और ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे मतलब ये पाथ कर फॉलो करते हुए और इस वाले एरिया में जाके गिर जाए और इस वाले एरिया में नुकसान पहुंचेगी, ये तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये क्या है कि ये ऐसे आपने छोड़ी इसको 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे छोड़ा जाता है, फिर जाती है ऐसे यहाँ तक तो इस गति से मतलब स्पीड से फ्लो करती है, इसके बाद में क्या होता है इसका इंजन बंद हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, तो फिर धीरे 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 नीचे आती है और इस वाले एरिया में गिरती है। मतलब अगर किसी एरिया का नुकसान करना हो तो बेसिकली जो आप बोल सकते हो कि बैलिस्टिक मिसाइल है उसका यूज है वो किया जाता है। क्रूज मिसाइल का यूज किया जाता है सटीक टू पॉइंट, जैसे कि ये डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मेरे को तो इसी एरिया में अटैक करना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है वो क्या करेगी डायरेक्टली ऐसे जाएगी, मतलब पॉइंट को टारगेट करना हो तो इसका निशाना सटीक होता है, तो उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी होती है यहाँ पे, सॉरी ब्रह्मोस मिसाइल कौन से टाइप की है, क्रूज मिसाइल टाइप की है। एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, जैसे पृथ्वी है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि पृथ्वी किसी एरिया में जाकर गिरती है तो उस वाले एरिया का नुकसान वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं होती है। इसलिए एक चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो किसी एरिया को नुकसान पहुंचाती है और पावरफुल भी खैर ऑब्वियसली ज्यादा होती है, बट उनकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है। और बात करें यहाँ पे क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल की रेंज ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा का नहीं, मतलब यहाँ फोकस किया जा रहा है कि जैसे 5000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ऐसे इनकी रेंज है वो बेसिकली नहीं होती है। तो अगर एग्जाम में कई बार आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप इन पॉइंट से आपको हो सकता है कि क्वेश्चन वगैरह आप आराम से पकड़ सको। तो अभी जो परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का लेटेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि अभी इसका कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, कौन कौन से वर्जन है। सबसे पहली बात तो आती है इसकी यहाँ पे रेंज, तो देखो इसकी जो रेंज है वो है 290 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ से बनाई गई थी, किसने बनाई थी, बनाई इंडिया ने और रशिया ने दोनों ने, मतलब रशिया की टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंडिया ने बेसिकली इसको बनाया है। इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके नाम पर रखा गया है और रशिया की एक रिवर है मोस्कोस, तो उस रिवर्स के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। इंडिया की ब्रह्मपुत्र उससे ब्रह्म ले लिया और रशिया की जो मोस्कोस रिवर है उससे नाम ले लिया गया मोस, तो ब्रह्मोस ऐसे इस तरीके से नाम है वो रखा गया। तो ये यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है। और सुखोई 30 जो विमान है, जो कि लड़ाकू विमान है, उसके ऊपर बेसिकली इसका यूज है वो किया जाता है, मतलब वो उसके ऊपर इसको लाद के रखा जाता है ताकि कहीं भी अटैक वगैरह करना हो तो। और अभी जो परीक्षण किया गया वो काफी एडवांस लेवल का है, एक्सट्रीम वेदर में भी बेसिकली काम है वो करने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल है वो सी वाले नेवल वर्जन भी इसका अवेलेबल है, वो भी अभी एक्टिव फॉर्म में, एयर वर्जन भी इसका अवेलेबल है और लैंड वर्जन भी इसका अवेलेबल है। तो जो बेसिक फीचर्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब देखो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सुपरसोनिक मिसाइल सबसोनिक मिसाइल कौन सी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी है, बस एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ी है जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा।
अब बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो है पेट कोक के बारे में। पेट कोक का मतलब है यहाँ पे पेट्रोलियम कोक। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं, फिर हमें कंटेक्स्ट वो समझ में आएगा। पेट्रोलियम कोक वो होता है जैसे कोई भी क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को आपको पता है कि जब रिफाइन करते हैं तो लास्ट में नीचे कचरा टाइप का कुछ बचता है, स्लरी वगैरह टाइप की, वो होती है पेट कोक, जो कि काफी गाढ़ा होता है और इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो हाई लेवल होते हैं, नॉर्मली भी हाई लेवल जो रखा जाता है ना, उससे भी 17 गुना सल्फर इसमें होता है। आप बोल सकते हो कि लगभग 80% के आसपास इसमें सल्फर है वो पाया जाता है, और सल्फर है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान है वो पहुंचाता है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर भाई पेट्रोलियम कोक है, जो नीचे स्लरी बची है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल की नीचे, अगर उसको जलाएंगे तो सल्फर इन्वायरमेंट में आएगा, और अगर सल्फर इन्वायरमेंट में आएगा तो हमें हेल्थ के इशू बढ़ सकते हैं, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इसीलिए अभी एक सारा कंटेक्स्ट है। तो अब हम इसको कंटेक्स्ट को देखते हैं रिसेंटली न्यूज से। कंटेक्स्ट ये है कि अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जो सल्फर है, सॉरी पेट कोक है, इसके इम्पोर्ट को बैन करने की बात हो गई है कि भाई पेट्रोलियम कोक है इसका अभी भी इम्पोर्ट है वो बैन करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले गाइडलाइन जारी की थी, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने भी कहा था कि भाई जो पेट कोक है इससे काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब देखो एक चीज बताऊं कि इसका यूज क्यों किया जा रहा है, फिर अगर भाई इतना ही खतरनाक है तो यूज क्यों कर रहे हैं। यूज इसको अभी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि काफी सस्ता होता है, आपको पता है कि ऑब्वियसली नीचे काफी कचरे के रूप में बच रहा है तो काफी सस्ता तो होना ही होना है। तो सस्ते होने की वजह से इसके साथ ही इसमें हेवी ऑयल को भी इसको नाम से भी जाना जाते हैं, और सस्ता होता है इसके साथ ही ये जो आप बोल सकते हो कि हीट है वो थोड़ी ज्यादा देता है। तो क्या है, जो इंडस्ट्री वगैरह है ना इंडिया में, वो इसका बेसिकली यूज है वो करती है। तो अभी जो बाकी डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज का यूज कर रही है उन सबको अलर्ट कर दिया गया है कि भाई अभी गवर्नमेंट है वो एक्चुअली इसको इसके इंपोर्ट को बैन करने वाली है, तो आप पहले से तैयार हो, कहीं ऐसा नहीं है बाद में बोलोगे आपने तो हमें बताया नहीं था, सडनली बैन कर दिया तो हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं। तो सभी को अलर्ट वगैरह दे दिया गया है, क्योंकि देखो अगर ये पेट कोक जलाया जाएगा तो इन्वायरमेंट का लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, एयर पोल्यूशन तो ऑब्वियसली बढ़ना ही बढ़ना है, इसके साथ ग्रीन हाउस गैसें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। बेसिकली आपको पता है कि पेटको को जलाएंगे तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो बाई प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इन दोनों का एमिशन है वो आपको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक वो होता है, और इससे कहीं ना कहीं एसिड ड्रेन के लिए भी ये चीजें जिम्मेदार है वो होती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो बेसिक पेट कोक के बारे में आर्टिकल आया था उसको हमने डिस्कस कर लिया। एक तो ये पता होना चाहिए कि सल्फर है वो हमारे लंग्स को बेसिकली डैमेज है ज्यादा वो करता है। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो आसाम को लेके आए हैं। आर्टिकल ये है कि आसाम का एक बिल था, विच हंटिंग का बिल था 2015 का। तो वो क्या था कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी वो था प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रखा गया था कि भाई प्रेसिडेंट साहब जब उसकी असेंट या अनुमति देंगे तब वो बिल है वो पास होगा। तो अभी कंटेक्स्ट ये आया है कि प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल को अनुमति दे दी है जो कि 2015 से पेंडिंग था। बिल का था नाम ये था आसाम विच हंटिंग बिल 2015 सॉरी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यूपीएससी इसमें बेसिकली ये पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन सी स्टेट ने जो विच हंटिंग बिल है वो पास वगैरह किया है। विच हंटिंग का मतलब क्या है, देखो आपको बताऊं इस चीज को अच्छे से तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली हम कई बार देखते हैं कि गांव में या किसी एरिया में कोई वुमेन रहती है तो उसको ऐसे काफी अजीबोजीबो नामों से पुकारा जाता है कि ये डाइन है, ये तो बच्चे को खा गई, इसने अपने हस्बैंड को मारा, इस तरीके का उस वर्ड है वो यूज किया जाता है, मतलब उसको डाइन कहते हैं। विच का मतलब बेसिकली यहाँ पे डाइन ही होता है। तो अब यहाँ पे ये जो कानून बनाया गया है ये बेसिकली बनाया गया है जो भी वुमेन है जिसको इस तरीके के नामों से संबोधित किया जा रहा है और उसको अगर मारा जा रहा है उस कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कई बार क्या होता है हमारी सोसाइटी है वो काफी कंजर्वेटिव थिंकिंग है, वो जैसे क्या करती है जो भी वुमेन होती है उसी को हर चीज का ब्लेम देती है कि इसने अपने हस्बैंड को मारा है, इसने अपने बच्चों को मारा है, टीसी टाइप के। तो उसको उस टाइम पे डायन कह देते हैं, कहने लग जाते हैं लोग, और उसके बाद सारा मामला बढ़ने लग जाता है। तो अभी जो ये बिल को अनुमति दी गई है वो हम देख लेते हैं कि सारा कंटेक्स्ट है क्या। देखो सोसाइटी में आपको पता है काफी इससे अराजकता फैल जाती है, ह्यूमन राइट्स का भी इशू यहाँ पे सामने आ जाता है। इसके साथ बात करें फंडामेंटल राइट की, तो जिसको विच या डायन कहा जा रहा है तो उसके भी कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट का वो भी वायोलेशन हो रहा है, इसीलिए इस कानून को बनाया है वो गया है। और इस कानून में बेसिकली ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी को भी डाइन या विच वर्ड से संबोधित किया जाता है किसी वुमेन को, इसके बाद अगर उस वुमेन की हत्या वगैरह की जा रही है तो उस कंडीशन में आईपीसी की धारा 302 है उसके तहत उसको 7 साल की सजा हो सकती है या फिर इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना है वो भी हो सकते हैं, या फिर दोनों आप बोल सकते हो कि सजाएं उसको हो सकती है। तो ये बेसिकली इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस वर्ड का यूज करना किसी वुमेन के लिए वो भी कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बैन है वो हो गया है। तो ये सारा कंटेक्स्ट था जो भी हमने न्यूज है वो यहाँ पे देख लिया। तो आसाम ने वैसा एक्ट है वो अभी बनाया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है एक
अभी माइक्रोस्कोप है वो बनाया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे पहला रिमोटली ऑपरेटेबल एक वो बनाया गया माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है लेप, LEAP। लेप का मतलब यहाँ पे लोकल इलेक्ट्रोड एटोम प्रोब, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब वर्ल्ड का पहला रिमोटली ऑपरेबल लोकल इलेक्ट्रोड एटम प्रोब माइक्रोस्कोप है, वो बनाया गया है। बनाया किसने है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। IIT मद्रास है, उसकी लीड या उसकी हेल्प से बेसिकली इसको बनाया गया है। और बाकी जो IIT है इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट, IIT बॉम्बे हुआ, IIT कानपुर हुआ, ये बाकी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी काफी सपोर्ट है चीज के लिए किया। मतलब ओनली IIT मद्रास आ जाता है या IIT चेन्नई आ जाता है तो वो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करें इसका काम क्या होगा, इस माइक्रोस्कोप का। इस माइक्रोस्कोप का काम देखो सीधा एक ही है कि जो बेसिकली और जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उनका बोल सकते हो कि एडवांस फॉर्म है, मतलब हाई परफॉर्मेंस है। मतलब इसका जूमिंग लेवल है वो भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही इसका मेन फीचर ये है कि एटम बाय एटम व्यू है वो देख सकते हैं। मतलब एटम हम जो नॉर्मली क्या था कि अभी तक एटम को ढंग से देखा नहीं जा पा रहा था, तो अभी क्या होगा कि एटम से एक दूसरे एटम को आराम से इजीली देखा जा सकेगा। तो सीधे सीधे आपको ये बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से कैमरे में जूमिंग की जो प्रक्रिया अगर ज्यादा अच्छी होती है तो हमें आराम से बिना पिक्सल फटे हुए अच्छी अच्छी चीजें दिख जाती है, तो वही इसी तरीके का एक नया माइक्रोस्कोप बनाया गया है जिसकी जूमिंग कैपेसिटी आप बोल सकते हो या फिर उसका जो बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस वो बहुत ही अच्छी है। मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया गया है, लेटेस्ट है, हाई परफॉर्मेंस का, उसको बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, जो कि रिमोट के द्वारा भी ऑपरेटेबल है वो होने वाला है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि लीप है क्या, LEAP लोकल इलेक्ट्रोड एटम प्रोब। तो देखो इसके साथ इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका बेसिकली यूज होने वाला है एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसके साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी है वहां पे भी इसका यूज है वो ऑब्वियसली होने वाला है, तो इससे इंडिया को काफी हद तक बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। वो जो PDF है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाता है, आप वहां से PDF वो डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग है उसके लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अन अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देवेंद्र सिंह के नाम से सर्च कर सकते हो, तो वहाँ को आपको डेली एक या दो क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे और उनके बारे में आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर फिर भी आपके कोई इश्यूज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी झिझक पूछ सकते हो। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।